नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल अचीवर्स पे। जो 30 डेज की जो हमारी सीरीज चल रही है, जो हम आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करके दे रहे हैं, हमारा जो चैलेंज है 5 मिनट 10 सेकंड्स, आपकी जो 1600 मीटर की रनिंग होती है आर्मी का, उसका हम 5 मिनट 10 सेकंड निकालने का जो हमारा टारगेट है, उसका आज 12th डे है। यदि आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो उससे पहले आप हमारी सारी जानकारी देख लें, जो भी हम आपको जानकारी देते हैं सारे वीडियोस आप वॉच कर लें। अगर पसंद आए तो ही हमें सब्सक्राइब करें, तो ही हमें सपोर्ट करें, क्योंकि ये यूट्यूब पे ऐसा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है जो बड़े बड़े ऑफिसर्स, सोल्जर्स और जो सीनियर लीडर्स की मदद से चलाया जाने वाला फर्स्ट ऐसा यूट्यूब चैनल है। तो आप सभी को सारे एक बार देख लेने हैं, वीडियोज़ पसंद आते हैं तो ही आप बोलें। यदि आपको कुछ नेगेटिव डाउट है कि भाई तुम क्या गाइड करते हो, तुम कैसा कंटेंट डालते हो, तो भाई इतना कहना चाहूँगा, जब आप पूरे तरह वीडियोज़ देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा यदि आप फॉलो करना चाहते हो तो हमें। तो आज हम जो बात कर रहे हैं 12 डे के शेड्यूल के बारे में, फर्स्ट आपको वार्म अप करना है, 400 मीटर्स के 4 राउंड्स मारने हैं, नॉर्मल स्पीड में आप मारें, वार्म अप कर लें आप। तो उसके बाद में आपको टाइम स्प्रिंट मारनी है 5 मिनट का गैप लेके। तो उसके बाद टाइम स्प्रिंट मारते समय आप 400 मीटर के 8 चक्कर मारोगे, मीन्स आप रुक रुक के 8 चक्कर मारने हैं आपको, जो कि फर्स्ट एक एक राउंड 1 मिनट 30 सेकंड का हर एक राउंड्स आपका आना चाहिए, और आप 2 मिनट का गैप लेके नेक्स्ट राउंड मारें, मीन्स आपको 8 राउंड्स मारने हैं 400 मीटर्स के, रुक रुक के 2 मिनट का गैप लेना है, और हर एक राउंड 1 मिनट 30 सेकंड्स के अंदर आना चाहिए। और आप एक काम करें, कई दिनों से आप जो ट्रैक यूज़ कर रहे हैं उसको छोड़कर आप दूसरे ट्रैक पे आप दौड़ने की कोशिश करें, जैसे खुले मैदान पे दौड़ने, सीधे दौड़ने की कोशिश करें, या फिर मिट्टी में दौड़ने की कोशिश करें, या फिर कोई आपके नियर बाई दूसरा ग्राउंड हो वहाँ पर जाके आप रनिंग करें। इससे क्या होगा कि आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी इंक्रीज़ होगा। अगर दूसरे बंदों के साथ जाके आप कॉम्पीट करते हो, दूसरे बंदों के साथ जाके आप तैयारी करते हो दूसरे ग्राउंड पर जाके, तो इससे आपकी जो दिमाग की शक्ति है, माइंड लेवल है, फिटनेस लेवल, एटीट्यूड इंक्रीज़ होता है, मीन्स आप अंदर से मोटिवेट फील करोगे, हाँ मैं कहीं पे भी रनिंग कर सकता हूँ। इसलिए आप दूसरे ग्राउंड पे जाके रनिंग करने की कोशिश करें। और उसके बाद में हम बात करते हैं टाइम स्प्रिंट के बारे में, जो कि 100 मीटर्स की आपको 4 स्प्रिंट मारनी है, पूरी ताकत लगा के आप 100 मीटर के 1-1 मिनट का गैप लेके 4 बार आप 100 मीटर मार दें, मीन्स 100 मीटर की आपको 4 टाइम्स ये स्प्रिंट्स मारनी है नॉर्मल, मीन्स आपकी जितना ताकत लगा सकते हो उतनी ताकत आप लगा दें। उसके बाद आप सभी को एक्सरसाइज करनी है, सभी एक्सरसाइज आप कंटिन्यू कर लें जो आप कर रहे हो, उससे थोड़ा सा अलग एक्सरसाइज आप आज आप करें, स्ट्रेचिंग कर लें, तो जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा, बॉडी वॉडी जो पेन हो रही होगी थोड़ी सी उसमें राहत मिल जाएगी। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।